जाएगा अपने। जय आया खो, 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 जय आया खो। क्या बामीना मनु, नमनु नमनु, क्या बामीना मनु, नमनु नमनु, क्या भजना मनु, नमनु नमनु, क्या बामीना मनु, नमनु नमनु। अपन सुनल मुर्तबा, मुर्तबा मुर्तबा, अपन सुनल जाती। क्या मांग रहा है? सिटीजनशिप पूरी तरह से गैर कानूनी संविधान के विरोध है। इसके खिलाफ व्यक्तिगत तौर से मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ मंडे। ये मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस बिल को स्ट्राइक डाउन करेगी, लेकिन आसाम में इस बिल की तरफ की वजह से और नॉर्थ ईस्ट में जो इस वक्त अनरेस्ट हुआ है, सारा इंटरनेट बंद है, लोगों पर गोलियां चल रही, आर्मी को डिप्लॉय कर रही, आर्मी आसाम की शांति को भंग कर रही, आसाम अकॉर्ड आसाम के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये राजीव गांधी जी ने अकॉर्ड किया था। यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करने उतरे दिल्ली से और सारे देश में इसका विरोध हो रहा है। ये उम्मीद प्रोटेस्ट को देखकर आसाम और नॉर्थ ईस्ट में जो अनरेस्ट है उसको देखकर इस बिल को विड्रॉ कर दे और देश में शांति रखें, ये उनसे उम्मीद हम रखते हैं। अराजकता बनी है पूरी तरह से, अराजकता बढ़ी हुई है और ये बढ़ेगी और भी आगे बढ़ेगी। लोग इससे नाराज है, इस बिल से नाराज है, पूरा देश में इससे नाराज है। आप कितने लोगों पर गोली चलाओगे? ऑलरेडी 3 लोग शहीद हो चुके हैं आसाम में। कितने लोगों पर आप इंटरनेट कितने दिन तक बंद करोगे? कितने दिन तक आप सेना रखोगे? सेना के लोग को भी परेशानी हो रही है, क्या वो अपने लोगों पे गोली चलाएगी? ये बंद होना चाहिए, गलत है। नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री है, अपने आपको सेवक कहते हैं। सेवक का काम है लोगों की बात सुनना, सेवा का काम है संविधान के खिलाफ जाना। ये बिल संविधान के खिलाफ है, इसे विड्रॉ करें नरेंद्र मोदी। यही उम्मीद करेंगे सारे लोग सड़क पर, सारे देश में उतरे हैं।